वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहब तुम्हारे राम राज्य में शव वाहिनी गंगा। ये पंक्तियां मूल रूप से गुजराती में लिखी गई एक चर्चित या फिर यूं कहें विवादास्पद कविता का अंश है। इस कविता को लिखा है गुजराती कवियत्री पारुल खक्कर ने। एक वक्त था जब दक्षिणपंथी झुकाव रखने वाले साहित्यकार पारुल को गुजराती साहित्य का अगला आइकॉन बताया करते थे, मगर 11 मई को यह कविता सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वही लोग पारुल खक्कर को आज अराजक कह रहे हैं। पारुल ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। 14 लाइनों की इस कविता पर 30,000 से ज्यादा गालियां और भद्दे कमेंट्स आ चुके हैं, और अब तो गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विष्णु पांड्या ने इस कविता को पसंद करने और इसे शेयर करने वालों को साहित्यिक नक्सल करार दे दिया है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, और आज हम इसी कविता और उस पर उठे विवाद से आपको रूबरू करा रहे हैं। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ट की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी, दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बिढंगा, साहब तुम्हारे राम राज्य में शव वाहिनी गंगा। पारुल खक्कर की यह कविता गुजरात साहित्य अकादमी के निशाने पर है। अकादमी के अध्यक्ष विष्णु पांड्या ने अकादमी के मुखपत्र के जून संस्करण की संपादकीय में कविता को अराजक और इस पर चर्चा और प्रसार करने वालों को साहित्यिक नक्सल करार दिया है। संपादकीय में विष्णु पांड्या लिखते हैं कि ऐसे लोग भारत में जल्दी से जल्दी अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे सभी मोर्चों पर सक्रिय हैं और इसी तरह वे गंदे इरादों से साहित्य में कूद गए हैं। पांड्या के इस संपादकीय के बाद हलचल तेज हो गई है। साहित्य जगत की 169 हस्तियों ने एक साथ आते हुए पांड्या से संपादकीय वापस लेने की मांग की है। साहब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दैदीप्त तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते, तुम हो पत्थर ना हो मोती, हो हिम्मत तो आकर बोलो, मेरा साहब नंगा, साहब तुम्हारे राम राज्य में शव वाहिनी गंगा। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर जब देश पर कहर बरपा रही थी, उन्हीं दिनों गंगा में तैरते शवों की तस्वीरें भी हर रोज सुर्खियों में आ रही थी। कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए सरकारी कदमों पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे ही निराशा भरे माहौल में गुजराती कवियत्री पारुल खक्कर ने एक कविता लिखी, शव वाहिनी गंगा। 11 मई को सोशल मीडिया पर आते ही ये कविता तेजी से वायरल होने लगी। देश की हर एक भाषा में इसका अनुवाद होने लगा, और देखते ही देखते ये कविता गंगा में बहते शवों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसने का जरिया बन गई। फिर क्या था, मोदी समर्थकों ने भी कमान संभाल ली और शुरू हो गया ट्रोल का खेल। कुछ ही दिनों में हजारों गालियां और भद्दे कमेंट पारुल खक्कर की मूल कविता के कमेंट बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे थे। मगर जैसे जैसे कोरोना पर नियंत्रण शुरू हुआ, ये कविता भी ट्रेंड से गायब होने लगी। मगर गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के बयान और उस पर आए रिएक्शन से ऐसा लगता है कि पारुल की यह कविता अभी कहीं ज्यादा हंगामा खड़ा करने की ताकत रखती है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लीक से हटकर खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। फिलहाल हम आपको चलते चलते पारुल खक्कर की इसी कविता के संग छोड़े जाते हैं। एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ट की बोरी, खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ट की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी, दर दर जाके यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा, साहेब तुम्हारे राज में शव वाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं राहत मांगे पल भर, नित लगातार जलती चिताएं राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां कूटती छाती घर घर,
देख लपटों को फिडल बजाते वारे बिल्ला रंगा साहिब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। तुम्हारे दिव्य वस्त्र दैदिप्य तुम्हारी ज्योति साहिब तुम्हारे दिव्य वस्त्र दैदिप्य तुम्हारी ज्योति काश असलियत समझ पाते हो तुम पत्थर न मोती हो हिम्मत तो आके बोलो मेरा साहिब नंगा साहिब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा साहिब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा।